हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम एनडीए में 2015 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन उस पेपर में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे ठीक है सबसे पहले जो आपके तीन चार या क्वेश्चन है वो आपके स्टेटमेंट वन या टू में है जैसे जिसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट की है सेकेंड की है तो तीन चार क्वेश्चन आपके उसी में है तो ये कोड मैंने इकट्ठा लिखवाया है ठीक है जो आगे चार क्वेश्चन होंगे आप देखेंगे कि इस कोड में से कौन सा आंसर उसका मैच करता है ठीक है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेन्यूल्स ऑफ मॉडर्न गन पाउडर ऑल्सो कोल्ड ब्लैक पाउडर आर टिपिकली कोटेड विद ग्रेफाइट स्टेटमेंट टू ग्रेफाइट प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है या दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट की क्या आंसर होगा द ग्रेन्यूल्स ऑफ मॉडर्न गन पाउडर ऑल्सो कोल्ड ब्लैक पाउडर आर टिपिकली कोटेड विथ ग्रेफाइड स्टेटमेंट टू ग्रेफाइट प्रिवेंट्स द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज तो इसका राइट right आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू ठीक है एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन समझ आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी इन्होंने क्या बोला दोनों स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वन कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चेंजेस टू कलरलेस एट लो टेम्परेचर स्टेटमेंट टू एट लो टेम्परेचर टेम्परेचर नाइट्रोजन टेक्ट्रो ऑक्साइड इस फॉर्म विच इज कलरलेस इसका क्या आंसर होगा ये दोनों स्टेटमेंट क्या शो कर रही है तो इसका राइट आंसर ये है कि जो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट सेकंड है वो दोनों की दिनों सही ही है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ठीक है तो ऑप्शन ए जो कोडिंग दिया उसके आंसर अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा ठीक है डायमंड इज वेरी ब्राइट स्टेटमेंट टू वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड इज वेरी हाई एंड डायमंड इज वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेटमेंट टू तो कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है या दोनों सही है या दोनों गलत है देखो जो ऑप्शन सी है स्टेटमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू बट सेकंड फॉल्स ये जो डायमंड है वेरी ब्राइट होता है पर इसका लो रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स नहीं होता तो ऑप्शन सी इसका राइट right आंसर होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपकी क्या है गलत है ठीक है Statement for oxygen gas is easily produced at a faster rate by heating a mixture of potassium chlorate and magnesium dioxide than heating potassium chlorate alone. Statement two: magnesium dioxide acts as a negative catalyst. ऑक्सीजन गैस इज इजी प्रोड्यूस्ड एसिंगटिंग पोटेशियम क्लोरेट एलोन स्टेटमेंट टू मैगनीस डाइक्सेट डाइऑक्साइड एक्ट एज अगेटिव कैटलिस्ट क्या आंसर होगा इसका तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी है कि स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट टू आपकी फॉल्स है ठीक है चले आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट वाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट स्टेटमेंट टू द रेट इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया वाइल पुटिंग क्लोथ फॉर ड्राइंग अप स्प्रेड दम आउट स्टेटमेंट टू द रेट इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया कौन सा आंसर होगा कोड के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो भी सही है सेकंड भी सही है और जो सेकंड है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट ठीक है तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं और नंबर काटने वाले होते हैं इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करा जाता है क्योंकि स्टेटमेंट तो पता चल जाती है फर्स्ट या सेकंड ठीक है पर ये कंफ्यूज हो जाता है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो सेकंड फर्स्ट की है या फर्स्ट सेकंड की है या नहीं है ठीक है तो ध्यान से करने हैं ये सारे क्वेश्चन इस बार तो पांच क्वेश्चन 2015 में के पेपर में जो पांच क्वेश्चन है वो इसी में से आए ठीक है चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग गन पाउडर गन पाउडर के लिए क्या यूज करते हो मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हो पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हो सोडियम स्टीरेट यूज करते हो या कैल्शियम सल्फेट यूज करते हो गन पाउडर बनाने के लिए क्या यूज करा जाता है गन पाउडर बनाने के लिए तीन चीजें यूज होती है क्या एक तो तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट ठीक है दूसरा चारकोल तीसरा सल्फर सबसे हाई क्वांटिटी में क्या होता है तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है ऑप्शन बी ठीक है चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वॉटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विजेल सोल्ट बेस या एसिड द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वॉटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आंसर होगा इसका जो आपने पढ़ रखा होगा क्लास में कि कंटेनर लेते हो कौन पानी होता है उसके अंदर यहाँ पे ग्रीस लगी होती है और नॉन पोलर पार्ट अटैक करता है और पोलर पार्ट क्या करता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये कौन सा पार्ट है पोलर और ये कौन सा पार्ट है नॉन पोलर है ना तो वो कौन सी रिएक्शन होती है ऑप्शन ए समझ आया यहां तक ठीक है द केमिकल एज अ फिक्सर डेवलपर इन फोटोग्राफी दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है द केमिकल यूज एज अ फिक्सर डेवलपर इन फोटोग्राफी सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फाइड सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम सल्फेट क्या आंसर होगा इसका द केमिकल यूज एज अ फिक्सर डेवलपर इन फोटोग्राफी क्या आंसर होगा तो इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन सी सोडियम था ठीक है ऑप्शन सी इसका राइट right आंसर होगा इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिथी क्या राइट आंसर होगा इसका इन प्लांट वन ऑफ द गैसेस इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सबसे इजी क्वेश्चन है ये जिसमें ग्लूकोस बनता है प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस कौन सी गैस रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है ठीक है which is why is graphite used in electrolytic cell option a graphite is soft and can be easily modulated into electrodes option b graphite is made of layer of carbon atom which can slide option c graphite is inert to most of the chemical and remain inert in electrolytic cell option d graphite is a good conductor of electricity why is graphite used in electrolytic cell आंसर ही क्वेश्चन के अंदर है कि ग्रेफाइट का यूज हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्यों करते हैं क्यों करते हैं भाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन डी ठीक है वॉशिंग सोडा इज अ कॉमन नेम फॉर कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम किसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा इज अ कॉमन नेम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं सोडियम कार्बोनेट क्या फॉर्मूला होता है सोडियम वॉशिंग सोडा का एन ए टू थ्री टेन एच टू ओ यही फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का है ना वॉशिंग सोडा का यही फॉर्मूला होता है ठीक है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है एनए टू थ्री टेन एच टू ओ अगर बेकिंग सोडा का पूछ लिया जाए तो क्या फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का तो एन ए टू सीओ थ्री है उसमें क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है बेकिंग सोडा और सोडा का क्या होता है सोडियम NaOH। तो वॉशिंग सोडा में कभी बार तो फॉर्मूला पूछा जाता है कभी पूछा जाता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ वॉटर मोलिक्यूल है तो वॉशिंग सोडा में कितने हैं दस ठीक है

परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की वो किसकी वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम या बाई ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन बी सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ठीक है इन द रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन एक्ट है इसमें कार्बन क्या एक्ट कर रहा है वही ऑक्सीडेशन क्या होती है गेन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन क्या होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो ऑक्सीजन को देता है वो खुद क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो जिंक ऑक्साइड यहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूछा क्या है कार्बन किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है ठीक है आंसर क्या होगा ऑप्शन डी समझ आया चलो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील इंक्रीज इन द ऑर्डर आपने थर्मल कंडक्टिविटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे इन तीनों को लिखना है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील इंक्रीज इन ऑर्डर तो इसका ऑर्डर कौन सा स्टेयर? सबसे ज्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है कॉपर की फिर एल्यूमिनियम की फिर स्टेनलेस स्टील ऑप्शन बी ठीक है परस्पिरेशन कूल्स द बॉडी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वॉटर ऑन द स्किन इज कूलिंग इवेपोरेशन रिक्वायर लेटेंट हीट वॉटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट या वॉटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या आंसर होगा इसका इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी इवेपोरेशन रिक्वायर लेटेंट हीट ठीक है ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर तो ये थे आज के क्वेश्चन 2015 के स्पेशली जो स्टेटमेंट वाले हैं उन पे ध्यान रखना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू